नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन में हमने ख्याति के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले आधारों की बात की कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं। पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या वास्तविक औसत लाभ, और दूसरा आधार है अधिलाभ। और ख्याति के मूल्यांकन के लिए तीन विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें से दो विधियां हम पढ़ चुके हैं। पहली विधि वर्षों की क्रय विधि और दूसरी विधि पूंजीकरण विधि, ये दोनों विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इस क्वेश्चन के माध्यम से हम तीसरी विधि भी पढ़ेंगे, जो है वार्षिक वृत्ति विधि, एन्युटी मेथड। तो इस क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें तीनों विधियों के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं हैं। विनियोजित पूंजी 1/4/2017 को 8 लाख रुपये और विनियोजित पूंजी 31 मार्च 2018 को 9,60,000 रुपये। तो यह है प्रारंभिक विनियोजित पूंजी है और ये अंतिम विनियोजित पूंजी है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ दिए हुए हैं 1,40,000 रुपये, 1,20,000 रुपये और 1,60,000 रुपये। सामान्य प्रत्यय दर है 10%, स्वामी का उचित पारिश्रमिक है 10,000 रुपये। तो स्वामी का उचित पारिश्रमिक हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या वास्तविक औसत लाभों की गणना करते समय इनका समायोजन करते हैं, इनको हम औसत लाभों में से घटाते हैं। अधिलाभों के आधार पर, तो ख्याति का मूल्यांकन के लिए जो आधार अपनाना है वो अपनाना है अधिलाभों को, सुपर प्रॉफिट्स को। सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर, अधिलाभों के आधार पर हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। 5 वर्षों की क्रय विधि, तो जो वर्षों की क्रय विधि है उसमें 5 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। दूसरा पूंजीकरण विधि द्वारा, और तीसरा 5 वर्षों की वार्षिक वृत्ति, 5 वर्षों की वार्षिक वृत्ति द्वारा। तो वार्षिक वृत्ति विधि, वार्षिक वृत्ति विधि एन्युटी मेथड के द्वारा हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो अधिलाभों को आधार बनाना है और तीनों विधियों के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो अधिलाभ ज्ञात करेंगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स घटा देते हैं और वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात करने के लिए जो पहला मेथड है परचेज ऑफ ईयर्स मेथड, इसमें हम सुपर प्रॉफिट्स को गुणा करते हैं ईयर्स ऑफ परचेज से। ये जो मेथड है ये है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड से जब वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाती है, तो सुपर प्रॉफिट्स को ईयर्स ऑफ परचेज, यानी जितने वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात करना है उनसे हम गुणा करते हैं। दूसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देते हैं। और जो तीसरा मेथड है एन्युटी मेथड,
इसमें हम सुपर प्रॉफिट्स को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन, एक रुपए का जो वर्तमान मूल्य है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, उससे हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात करने होंगे और नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात करने होंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो सुपर प्रॉफिट्स आएंगे, और फिर सुपर प्रॉफिट्स को सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर अलग अलग विधियों के द्वारा हम वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स, तो पिछले तीनों सालों के लाभों का औसत लिया जाएगा, 140,000, 140,000 प्लस 120,000 प्लस 160,000, तो तीन वर्षों के लाभों में, लाभों के टोटल में तीन का भाग लगाकर हम औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट्स ज्ञात करेंगे। तो इनका टोटल करेंगे 140,000 प्लस 120,000 प्लस 160,000, इनका टोटल आता है 4,20,000। 4,20,000 में तीन का भाग लगाएंगे तो औसत लाभ आ रहे हैं 140,000। तो 140,000 लाभ औसतन पिछले तीन वर्षों में कमाए जा रहे हैं, और भविष्य के संबंध में समायोजन किया जाएगा तो स्वामी का उचित पारिश्रमिक 10,000 रुपये घटाया जाएगा इसमें से। फेयर रेमुनरेशन ऑफ ऑनर 10,000 रुपये घटा दिए जाएंगे, तो 130,000 रुपये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट्स घटाए जाएंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किए हैं, जो आ रहे हैं 130,000 रुपये। एक बार इसको मिटा देंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 130,000 रुपये हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा देंगे तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाएगी। तो 8 लाख प्लस 960,000, इन दोनों के टोटल में 2 का भाग लगा देंगे तो 8 लाख प्लस 960,000 17,60,000 आता है दोनों का टोटल, और उसमें 2 का भाग लगाने पर 8,80,000 रुपये औसत विनियोजित पूंजी है। तो औसत विनियोजित पूंजी है 8,80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात करेंगे 8,80,000 औसत विनियोजित पूंजी पर 10% के हिसाब से, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, सामान्य प्रत्यय दर है, वो है 10%। तो 8,80,000 रुपये इस व्यवसाय में विनियोजित पूंजी लगाई गई है, औसत विनियोजित पूंजी लगाई गई है, यानी प्रारंभिक विनियोजित पूंजी थी 8 लाख रुपये की और अंतिम विनियोजित पूंजी थी 960,000 की। तो औसतन साल भर में इस व्यवसाय में 8,80,000 रुपये की पूंजी विनियोजित की गई है, और जिस पर सामान्य प्रत्यय दर के हिसाब से 10% के रूप में
88,000 रुपये सामान्य लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय में 8,80,000 रुपये औसत पूंजी विनियोजित करके 1,30,000 रुपये लाभ कमाए जा सकते हैं इस व्यवसाय से, जबकि सामान्य रूप से केवल 88,000 रुपये ही कमाए जा सकते हैं विनियोजित पूंजी पर। सामान्य प्रत्याय की दर है 10%। तो इस व्यवसाय के द्वारा 1,30,000 रुपये कमाए जा सकते हैं जबकि सामान्य लाभ कमाए जाते हैं 88,000 रुपये के, तो इस व्यवसाय के द्वारा 42,000 रुपये लाभ अधिक कमाया जा सकता है जो कि ख्याति के कारण कमाए जा सकते हैं। तो 42,000 रुपये अधिलाभ हैं, सुपर प्रॉफिट्स हैं। तो इन 42,000 रुपयों के आधार पर, सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है और अलग अलग तीन विधियों को अपनाते हुए। तो पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि। तो वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि में हम सुपर प्रॉफिट्स को जितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है उतने वर्षों से हम गुणा कर लेते हैं। तो ईयर्स ऑफ परचेज है 5, तो 42,000 को 5 से गुणा करेंगे तो ख्याति का मूल्य आ रहा है 2,10,000 रुपये। जो व्यवसायी अपना व्यवसाय बेच रहा है वो ये कह रहा है कि 42,000 रुपये के लाभ अधिक कमाए जा रहे हैं, अधिलाभ हैं, और ये लाभ 5 वर्षों तक मेरी ख्याति के कारण ही कमाए जाएंगे, तो इन 5 वर्षों के अधिलाभों के बराबर 2,10,000 रुपये ख्याति का मूल्य मैं लूंगा या ख्याति का मूल्य माना जाएगा। तो वर्षों की क्रय विधि, 5 वर्षों की क्रय के आधार पर 2,10,000 रुपये ख्याति का मूल्य होता है। दूसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसमें अधिलाभों का पूंजीकरण कर लिया जाता है, यानी कि 10% के हिसाब से अगर 42,000 रुपये अधिलाभ कमाने हो तो कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो 42,000 में 10 का भाग लगाने से, लगाकर 100 से गुणा करने पर ख्याति का मूल्य आता है 4,20,000 रुपये। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य है 4,20,000 रुपये। एक बार इसको मिटा देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हमने ज्ञात किए थे और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने ज्ञात की थी 8,80,000 की, इसको मिटा देते हैं। तीसरी विधि है एन्यूटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। इस एन्यूटी मेथड में सुपर प्रॉफिट्स को 1 रुपये के वर्तमान मूल्य से गुणा किया जाता है। तो सुपर प्रॉफिट्स है 42,000 रुपये और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन हमको, तो प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे 1 रुपये की, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने वर्षों के लिए हमको वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो फॉर्मूला होता है 1 - 1 upon 1 plus r (n/r). इस फॉर्मूले द्वारा 1 रुपये का वर्तमान मूल्य ज्ञात हो जाता है एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए हम ज्ञात करेंगे 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 5 वर्षों के लिए, 1 - 1 upon 1 plus r है 10% रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको 0.1 के रूप में दर्शाएंगे ब्रैकेट और इसकी घात लगाएंगे 5, क्योंकि n नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स दिए हुए हैं उतनी पावर लगाई जाती है, अपॉन r है 0.1, रेट ऑफ रिटर्न है 0.1, यानी कि 10% है तो 10 में 100 का भाग लगाने से आता है 0.1, तो यहां पर इसको 0.1 के रूप में लिखा है। इसको हल करेंगे तो पहले हम इसको हल करेंगे ब्रैकेट वाले को, पहले इसमें इसका भाग लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड करेंगे और फिर उसको 5 बार गुणा करेंगे। तो अगर इसको हल करें तो हल करने से आता है 1 - 1/1.1 आता है 0.9095/0.1। इसको आगे और हल करें तो 1 - 0.909 को 5 बार अगर गुणा किया जाए तो आएगा 0.909 की घात 5 है, इसको 5 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 0.909 को अगर 5 बार गुणा किया जाए तो आता है 0.621
0.1। तो एक माइनस 0.909 को 5 बार गुणा करने पर आता है 0.621, तो एक माइनस 0.621 बटा 0.1। और इसको और आगे हल किया जाए, अगर इसको यहाँ पे हल करें तो एक में से 0.621 घटाएं, एक में से 0.621 घटाने पर आता है 0.379 बटा 0.1, या इसमें 0.1 का भाग लगाएंगे तो ये आता है 3.79। तो एक रुपये का 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 5 वर्षों का वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू है 3.79। तो 42,000 को एक रुपये के वर्तमान मूल्य से गुणा करेंगे 3.79 से, तो ये आ रहा है 159,180 रुपये। तो एन्युटी मेथड वार्षिक वृद्धि विधि के द्वारा जो ख्याति का मूल्य है अधिलाभों के आधार पर, वो है 159,180 रुपये। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।